हेलो भाई, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे रेस आई एस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि हमने एक नई श्रृंखला की शुरुआत करी है, जिसमें हम आपके समक्ष करेंट अफेयर्स वीडियो के रूप में यूट्यूब चैनल पर अपने पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा मैं हमेशा वीडियो के स्टार्टिंग में कहता हूँ कि हमारे करेंट अफेयर्स के, खास करके करेंट अफेयर्स के वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करो, खास करके शेयर करो काफ़ी लोगों तक। क्योंकि रीज़न जैसा मैं हमेशा बताते आया हूँ कि ये जो है ना करेंट अफेयर्स, वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों के लिए जितना इंपॉर्टेंट होता है ना, उतना ही 8-9 क्लास के बच्चों के लिए भी होता है। मतलब एक तरह से कहो तो हर एक बच्चों के लिए करेंट अफेयर्स काफ़ी ज़रूरी होता है। और देखो क्या है कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें करेंट अफेयर्स की नीड्स होती है, मतलब वो करेंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको मिल नहीं पाता है। ठीक है, या फिर अगर मिलता भी है तो कौन सा रियल में करेंट अफेयर्स हैं, या फिर क्या एक्चुअल में सही न्यूज़ है, वो कहाँ से लाएं, ये चीज़ वो नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो हम अपने इस वीडियोस में आपको कुछ चुनिंदे जो खास करके अभी ज़्यादा चर्चे में करेंट अफेयर्स हैं उनको हम आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो ये उन लोगों तक पहुँच जाए ये वीडियो। मेन हमारा मोटिव यही होता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोज़ को शेयर करो। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला हमारा करेंट अफेयर क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला हमारा आज का करेंट अफेयर है कि एक अधिसूचना जारी की गई है। क्या है ये अधिसूचना, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पंजीकरण और मेडिसिन प्रैक्टिस लाइसेंस विनियम 2023 शीर्षक से एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार नेशनल मेडिकल रजिस्टर में पंजीकरण के लिए भारतीय और विदेशी दोनों मेडिकल स्नातकों के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट पास करना अनिवार्य हो गया है। देश के सभी पंजीकृत चिकित्साओं के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर होगा। मेडिसिन प्रैक्टिस करने का लाइसेंस 5 साल के लिए दिया जाएगा और 5 वर्षों के बाद चिकित्सकों को राज्य चिकित्सा परिषद के माध्यम से लाइसेंस का नवीनीकरण करना होगा। नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट और दो पोर्टल उत्साह और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस लॉन्च किया गया है। क्या है आइए देखते हैं। तो UGC द्वारा एक नई उपयोगकर्ता के अनुकूल वेबसाइट और दो पोर्टल उत्साह और साथ ही साथ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस लॉन्च किए गए। युवा पीढ़ी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का समर्थन करने के लिए इन संस्थानों को सहायता और सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य शैक्षिक अनुभव को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, रवनीत कौर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। आखिर किस पोस्ट में रवनीत कौर को नियुक्ति दी जा रही है, ये देखते हैं। तो कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है, उन्होंने CCI के अध्यक्ष के रूप में रवनीत कौर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि तक या अगले आदेश जो भी पहले हो पद पर रहेंगे। मतलब कि 3 कंडीशंस हैं इसमें कि जिस दिन भी वो अपना प्रभार संभालेंगे, जिस दिन भी वो ऑफिशियली ऑफिस को ज्वाइन करेंगे, उस दिन से 5 साल तक 5 ईयर्स तक, या फिर जो उनका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली उनका एज 65 ईयर जब तक हो जाता है तब तक, या फिर कोई नेक्स्ट फर्दर ऑर्डर्स आ जाते हैं तब तक ये इसी पद पर रहेंगे। वह पंजाब कैडर की IAS अधिकारी हैं। रवनीत कौर जो है वो अभी रिसेंटली IAS ऑफिसर है पंजाब कैडर से। मोबाइल और ऐप लॉन्च किया गया है। पर्यावरण
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है, जिसकी परिकल्पना COP26 में प्रधानमंत्री ने की थी। इसमें नासमझ और व्यर्थ उपभोग के बजाय सचेत और सुविचारित उपयोग पर जोर दिया गया है। इससे सरल कार्यों में माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हरी झंडी दे दी गई है, ये देखते हैं किस चीज़ को हरी झंडी दे दी गई है। तो यूरोपीय संघ के नियामकों में ने माइक्रोसॉफ्ट के 69 बिलियन डॉलर, मतलब 69 अरब डॉलर के एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड के अधिग्रहण के लिए हरी झंडी दे दी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग फर्मों में से एक है। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्लाउड गेमिंग के उभरते क्षेत्र में उपयोग की पेशकश के बाद सौदे को मंजूरी दे दी, जो अविश्वासीय चिंताओं को दूर करेगा। जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना में हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया। नई एकीकृत बीसी लैब, NIPHM, ये एक न्यू लैब है, NIPHM, इसमें स्थापित की गई है एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला, जिसमें जैव कीटनाशकों, जैव नियंत्रण एजेंटों एवं जैव उर्वरकों के लिए उत्पादन पद्धतियों पर अनुभव प्रदान करने की सुविधा है। तीन तीन चीज़ों पर ये अनुभव प्रदान करेंगी। वो तीन तीन चीज़ क्या है? तो बायो पेस्टिसाइड्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है हमारा विंडफॉल लेवी घटाकर शून्य कर दिया गया है। क्या है, किस चीज़ पे है ये, आइए देखते हैं क्या है पूरा न्यूज़। केंद्र ने घरेलू स्तर पर उत्पादित क्रूड पर, जो घरेलू स्तर पर जो भी क्रूड उत्पाद किए जाते हैं, उन पर विंडफॉल लेवी घटाकर शून्य कर दिया है। घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल का पर विंडफॉल गेन लेवी लागू नहीं होगा। इस बदलाव से पहले विंडफॉल गेन लेवी को की दर, जो कि पहले 41,000 रुपये प्रति टन थी, सॉरी 4,100 रुपये प्रति टन थी। मांग में वृद्धि और कीमतों में परिणामी वृद्धि के साथ सरकार फिर से शुल्क लगा सकती है। विंडफॉल गेन लेवी में कटौती के ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसी कंपनी को बहुत ही ज्यादा फायदा होने जा रहा है। सीधी अंतर्राष्ट्रीय सेवा उड़ान शुरू हो गई है। क्या है ये पूरा न्यूज़, आइए देखिए। भुवनेश्वर से दुबई के लिए पहली बार सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू कर दी गई है। उद्घाटन उड़ान उड़ीसा सरकार, नागरिक समाज और व्यापार और खेल समुदाय के सदस्य और स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। प्रतिनिधिमंडल द्वारा दुबई की यात्रा आगामी ओडिशा द्विभाषा कार्यक्रम के साथ मेल खाती है। भुवनेश्वर से जो ये दुबई की जो फ्लाइट, जो डायरेक्ट फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट की सर्विसेज स्टार्ट की गई है, इसके वजह से जो इंडिया टू दुबई का 12 घंटा का सफर था, वो घटकर अब 4 घंटा का हो गया है। तो गाइज, ये टाइम है क्वेश्चन ऑफ द डे का। 20 मई को आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है, टोटल एरिया ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है इसका 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। आप सभी को पता होगा कि आपको हमारे जो क्वेश्चंस ऑफ द डे हैं, उसके आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करने होते हैं।
जिस वजह से जिससे क्या होता है कि जो भी पहले 5 कमेंट्स होते हैं जिनका आंसर सही होता है, उनको हमारे तरफ से, हमारे रेस आईएएस एकेडमी के तरफ से एक रिवॉर्ड दिया जाता है। तो इस वीडियो में भी जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं, हम उसमें हर एक वीडियोस में कुछ वीडियो के एंड के टाइम हम आप लोगों से एक सवाल करते हैं जो क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में भी आपसे एक क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाएगा। जिन किसी को भी उसका आंसर पता होगा, हमारे कमेंट सेक्शन में तुरंत से तुरंत कमेंट करें। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो पहले के 5 कमेंट्स होंगे जिनके आंसर सही होंगे, उनको हमारे तरफ से एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और क्वेश्चन ऑफ द डे का सही आंसर देकर हमारे तरफ से एक रिवॉर्ड ले जाओ, ठीक है? तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, हम घुसते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में जिसको हम कहते हैं एमसीक्यू सेशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आइए देखते हैं क्या है आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 20 मई, 21 मई, 22 मई या 23 मई? आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो 21 मई, एंटी टेररिज्म डे हर साल 21 मई को मनाया जाता है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनके द्वारा ये सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था, जिनका जो सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था 1991 में, ठीक है गाइस? तो एंटी टेररिज्म डे हर साल 21 मई को हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली हु विल होस्ट द ओशियन टूरिज्म फॉर्म 2024? हाल ही में ओशियन पर्यटन फॉर्म 2024 की मेजबानी कौन करेगा? लाओस, इंडिया, इंडोनेशिया या जर्मनी? आइए इसका आंसर देखते हैं। तो लाओस, लाओस जो है वो जनवरी 2024 में एशियन टूरिज्म फॉर्म जो है उस मंच की मेजबानी करने के लिए कमर कस रहा है। 2024 में जनवरी में एशियन टूरिज्म फॉर्म की जो ये एनुअल मीटिंग होगी, या कह सकते हैं कि जो एक वन टाइम है, इसमें लेयर्स जो है वो मंच की मेजबानी करने के लिए अपना कमर कस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज द इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 16 मई, 18 मई, 20 मई या 21 मई? आइए आंसर देखते हैं। तो 21 मई हर साल हम चाय दिवस, जी हाँ, चाय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल हम 21 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ वेदांता, हाल ही में वेदांता का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी है? आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं आपका, नीरा टंडन, सोनल श्रीवास्तव, गीता राव या नानावदेव? आइए आंसर देखें। तो सोनल श्रीवास्तव, जी हाँ दोस्तों, सोनल श्रीवास्तव बन गई हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मेदांता की, जो कि 1 जून 2023 से अपना कार्यकाल संभालेंगे। सुनो, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आप सभी से बोला था कि वीडियो के एंड पार्ट्स में हम आपसे एक क्वेश्चन ऑफ द डे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको कहाँ करना है हमारे कमेंट सेक्शन में। तो आइए आज का हम क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं क्या है। तो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है?
आपका ये सवाल है जिसको आपको आंसर करना है हमारे कमेंट सेक्शन में। जैसा मैंने बताया आप सभी को कि जो भी हमारे पहले 5 सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी होंगे या जो भी कैंडिडेट्स होंगे जो हमारे कमेंट सेक्शन में पहले 5 जन सही उत्तर देंगे उनको हमारी तरफ से एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, हु टुक ओथ एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी रिसेंटली। हाल ही में कौन यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ ली है? आंसर ऑप्शन है आपके प्रवीण सूद, AK मोहंती, मनोज सोनी या नन ऑफ दिस। आइए आंसर देखते हैं। तो मनोज सोनी ने अभी हाल ही में ओथ लिया है एज अ चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के, जो अभी के चेयरमैन की शपथ ले चुके हैं वो है मनोज सोनी। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम चरण में इस वीडियो के। तो जैसा मैं आप सभी को कहता हूं अपने वीडियो के एंड में कि फॉर बेटर फ्यूचर ज्वाइन रेस अकेडमी ASAP। अगर अपने फ्यूचर को और अच्छे से संवारना चाहते हो, संजोना चाहते हो तो हमारे रेस अकेडमी के साथ आकर जुड़ो, हमारे संस्थान से जुड़ो। देखो हम काफ़ी फील्ड पर काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको तो हम अभी फिलहाल काम कर रहे हैं अपने काफ़ी क्षेत्रों में। हम झारखंड PGP के बच्चों के लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में, खास करके ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। अभी आप सभी जान रहे हैं कि अमृत वेला चल रही है। इस अमृत वेला में हम अमृत काल में जितनी भी फीमेल फ्रीडम फाइटर्स थी उनको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आज काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मेल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पता है बट फीमेल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में नहीं पता है, तो उनकी जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। साथ ही साथ जिनको भी कॉम्पिटिटिव या फिर किसी भी तरह के क्लासेस करने हो, कंप्यूटर क्लासेस करने हो या फिर कॉम्पिटिटिव क्लासेस करना हो, शॉर्ट हैंड सीखना हो, वो हमारे एकेडमी से आकर जुड़ सकता है। हमारे एकेडमी से जुड़ने के लिए आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। और एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि जिनको भी ये वीडियो जो हमने बनाया है आपका जो आप देख रहे हो करंट अफेयर्स का हमारे अभी यूट्यूब चैनल पर, जिनको भी इसका PDF फॉर्मेट चाहिए, हमारे करंट अफेयर्स का जिनको भी PDF फॉर्मेट चाहिए उसमें वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखो वीडियो में काफ़ी कंटेंट हम नहीं डाल पाते हैं समय की पाबंदी के कारण, तो जो PDF फॉर्मेट आप डाउनलोड करोगे हमारे टेलीग्राम लिंक से उसमें आपको और भी कंटेंट मिल जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होने का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे तरफ से दिया जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हो। फाइनली तो एट द लास्ट थैंक यू टू एवरीवन, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ सभी को, टाटा बाय बाय।